तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों आप देख रहे हैं एंड्राइड जेंसन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश दोस्तों आए चले शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ना कि क्या आप भी दोस्तों परेशान हैं और फ़्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर किए हैं और उस सामान को आप क्या करना चाहते हैं रिप्लेसमेंट यानी एक्सचेंज करना चाहते हैं कि सामान गलत आ गया वही सामान आप दोबारा से मंगाना चाहते हैं सही सही, सही से बिल्कुल बढ़िया वाला सामान और सामान गलत वाले को वापस करके दूसरा सामान लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट एक्सचेंज पॉलिसी क्या होती है कैसे हम सामान को एक्सचेंज करते हैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ तो चलिए फिर इस वीडियो को हम करेंगे शुरू वीडियो हमारी अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आए दोस्तों आगे बढ़ेंगे समझेंगे कैसे कैसे क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ तो चलिए फिर इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा आई मैं आपको एक एक करके सारा पॉइंट डिक्लियर करना रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेना होगा ठीक है फ्लिपकार्ट ऐप को जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज आ जाएगा जैसा आप देख पा रहे हैं ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ठीक है अकाउंट वाले ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा माई ऑर्डर्स का सिंपल इसके नीचे एक ऑप्शन होगा व्यू ऑल ऑर्डर्स इस पर आपको क्लिक करना है व्यू ऑल ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आपके सभी के सभी ऑर्डर यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे जैसा आप देख पा रहे हैं ठीक है ना तो जिस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट एक्सचेंज करना चाहते हैं बदल के दूसरा सामान लाना चाह रहे हैं तो आपको उस पर क्लिक करना होगा मैंने इस पर क्लिक कर दिया पहले वाले पे ठीक है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ रूल होता है सामान को एक्सचेंज करने का जैसे देख सकते हैं रिटर्न पॉलिसी जो है हमारे 10 जून को सामान आया है और 17 जून तक इसको हम रिप्लेसमेंट या यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं तो सिंपल इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा अब हम यहाँ पर रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे जैसे रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे हमारे सामने वापस से ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पे हम करते हैं रिसीव डिफरेंट कलर स्टाइल पहले पे चूज करेंगे कलर डिफरेंट फ्रॉम इमेज है ना वेबसाइट इस पर क्लिक करेंगे नीचे कमेंट में लिख देंगे नॉट गुड आपका जो प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से सेलेक्ट करिएगा उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करना है कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे रिफंड का ऑप्शन आ रहा है जैसे आप देख पा रहे हैं और यदि यहाँ पे सामान दोस्तों आपको बता दें रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन यहीं पे दिखता है जैसे जिस हिसाब से आप रीजन सेलेक्ट करेंगे ना उस हिसाब से होता है देखिए मैं यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक कर रहा हूँ रीजन में ही मेन चीज़ है ठीक है तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ़ द प्रोडक्ट एज एक्सपेक्टेड मैं इस पर क्लिक करता हूँ ठीक है आइटम नॉट परफार्मिंग एज एक्सपेक्टेड इस पर करता हूँ कमेंट में लिखता हूँ नॉट गुड जैसे जैसा जैसा आप रीजन देंगे वैसा ऑप्शन आता है मेरे प्यारे मित्रों कंटिन्यू किया और कंटे देखिए अब रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आ गया ठीक है अब सिंपल है क्या करना है हमें रिप्लेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है ठीक है जैसे रिप्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे ना उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह देख लीजिएगा इसी एड्रेस पे डिलीवरी बॉय आएगा आपसे सामान लेगा और जाएगा ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा तो सिंपल आपको क्या करना है बस यहाँ पे रिप्लेसमेंट पे क्लिक करके अपना एड्रेस देखें सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा डिलीवरी बॉय आएगा आपका सामान लेकर जाएगा और दूसरा सामान नया वाला लाकर दे देगा आप पूरा स्टेटस वगैरह चेक स्टेटस पर क्लिक करके कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको हमारी यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय दोस्तों